जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, जो सूर्यदेव 14 मार्च 2024 बृहस्पतिवार को दोपहर में 12:46 पर कुंभ राशि में विराजमान थे, अब वो सूर्यदेव कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में 14 मार्च 2024 बृहस्पतिवार के दिन 12:46 पर ही प्रवेश कर जाएंगे। और प्रवेश करते ही सूर्यदेव, क्योंकि राहु के साथ जाके बैठेंगे तो नेचुरली एक तरफ राहु और सामने से केतु, दोनों के दोनों उनको डस लेंगे, ग्रहण लगा देंगे। और ये स्थिति किस प्रकार से हम सभी लोगों को, क्योंकि जहां पर भी ये बैठेंगे तो कहीं ना कहीं तो हमारी जन्म कुंडली में भी जाकर ये घटना घट रही होगी, तो किस प्रकार से हमें अपना फल प्रदान करेगी, वो फल शुभ होगा या अशुभ होगा, इस सब की जानकारी मैं सभी व्यक्तियों को देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूं। और इसके साथ ही सबसे पहले मैं उन सभी भक्तगणों को जिनका आज मैरिज एनिवर्सरी है या बर्थडे है या फिर कोई विशेष दिन है उनकी लाइफ का, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, उन सभी व्यक्तियों को मैं गुरु रजनीश ऋषि अपनी तरफ से, स्वामी राज ऋषि की तरफ से एवं इस शनि पीठ के पीठाधीश भगवान शनि देव की तरफ से शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। आपके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य की निरंतर वर्षा होती रहे, इस बात के लिए हम सब आपको आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले यह सूर्यदेव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है मीन राशि के अंदर, वो मीन राशि का जब राशि परिवर्तन हुआ था तो उस समय आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या है, उसकी चर्चा सबसे पहले मैं आपको करना चाहूंगा कि आसमान में ग्रह किस प्रकार से बिखरे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, केतु महाराज कन्या राशि में विराजमान है, वक्री गति से चल रहे हैं। मंगल देवता अभी तक तो अपने उच्च के घर में विराजमान है, साथ ही साथ शनि देव जी अपने ही घर में विराजमान है मगर अस्त हैं। ध्यान रखिएगा, शुक्र देवता शनि देवता के साथ ही कुंभ राशि में विराजमान है और बुध देवता के साथ सूर्यदेव और राहु महाराज तीनों के तीनों मीन राशि में जाकर विराजमान होंगे। देखिए स्थिति इस घर की बहुत खराब है। कारण क्या है? न मीन राशि का घर है, राहु वहां पहले से बैठे हुए थे, डस रहे थे मीन राशि को, अब सूर्यदेव आ गए तो सूर्यदेव को भी ग्रहण लगाएंगे। और बुध देव तो मीन राशि में वैसे ही नीच के हो जाते हैं, सूर्य और बुध को केतु महाराज भी डस रहे हैं, ग्रहण लगा रहे हैं। तो ये स्थिति निश्चित रूप से जहां जहां घटित हो रही है, अलग अलग कुंडली में अलग अलग जगह पर घटित होगी, मैं अभी उस सब की चर्चा करने जा रहा हूं। और साथ ही साथ चंद्र देवता और बृहस्पति देवता ये दोनों मेष राशि में जाकर विराजमान है इस समय पर, मगर ये एक अच्छा संयोग भी है जो आपके दुर्भाग्य को कम करेगा, क्योंकि चंद्र देवता और बृहस्पति देवता का एक साथ जाकर बैठना गज केसरी योग का निर्माण करता है और ये योग निश्चित रूप से आपके लिए मंगलकारी है। ऊपर से मंगल देवता वैसे ही अपने उच्च के घर में बैठे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा शुभ योग है, ये भी मंगलकारी है। शनि देव जी अपने घर में बैठे हैं तो ये भी एक शुभ योग है, ये मंगलकारी है। तो आप लोग ग्रहों की स्थिति को अच्छी तरह समझ गए होंगे और जिस समय ये घटना घटेगी उस समय आसमान में मिथुन राशि उदय हो रही होगी। Namaste. My name is Kiran and I'm from South Africa. My experience with Guru Rajneesh Rishi Ji was when I was going through troubled times. This was way back in 2013. That's when I came across Guru Rajneesh Rishi Ji's website and he gave me everything in detail. And with his blessings, I was able to go forward and afterwards, a lot of problems were solved. बात करूंगा मैं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस जोडियाक साइन वाले व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, तो कुंभ राशि वालों, ये जो विपरीत ग्रहों की स्थिति बनी है, ये ग्रहों का जो तिगड्डा बना है जहां ग्रहण योग बना हुआ है,
वहां सूर्य भी परेशान है ग्रहण से, वहां बुध देवता भी परेशान है, और राहु और केतु अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, और आपको जो परेशान करेंगे वो करने जा रहे हैं आपके कुटुंब में, आपके मित्र के घर में, आपकी पैतृक संपत्ति के ऊपर धावा बोलेंगे, वहां पर आपको सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। आप समझ रहे हैं ना, आपकी पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है, आपके मित्रों का नुकसान, मतलब आपके और आपके मित्रों के मध्य परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, आपके और आपके कुटुंबजनों के परिवार वालों के बीच में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में इससे पहले कि ये परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, आपको मैं सचेत कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप संभलने का प्रयास करें, आप स्थिति को पहले से ही कंट्रोल करने का प्रयास करें, ताकि ये चीजें आपको परेशान ना कर सकें, व्यथित ना कर सकें, दुखी ना कर सकें। तो फिर देर किस बात की है, आप शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आकर, यहां लगने वाले जनता दरबार जो कि हर शनिवार को भी लगाया जाता है और अब शुक्रवार को भी लगाया जाने लगा है, यानी हर शुक्रवार या शनिवार को स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अपॉइंटमेंट लेकर जनता दरबार में हमसे मिल सकते हैं और अपनी परेशानियों के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय जान सकते हैं कि क्या उपाय करने से आपको फायदा होगा, कैसे आप अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियों को हैंडल करें और उनसे बचने का प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल भी देर मत करिए, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी आप हमसे संपर्क करिए, ताकि हम निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकें और आपको हेल्प दे सकें और आपके जीवन में सुख संपत्ति और सौभाग्य को ला सकें, धीमे धीमे ही सही। और इसके साथ ही उन सभी भक्तगणों के लिए मैं एक सूचना देना चाहूंगा कि हमारे शनि पीठ मंदिर की तरफ से एक नई वेबसाइट अभी लॉन्च हुई है, जिस वेबसाइट का नाम है www.marriagebiodata.app, यानी www.marriagebiodata.app। इस बायोडेटा पर वो सभी युवक युवतियां जो शादी योग्य हो रखे हैं या उनके माँ बाप या उनके भाई बहन, अपनी पसंद के हिसाब से एक अच्छा बायोडेटा तैयार कर सकते हैं उनकी शादी के रिश्ते के लिए, जहां पर आपको बायोडेटा बनाने के लिए सजेशन भी मिलता है। और ये वेबसाइट हमारी शनि पीठ मंदिर पर भगवान शनिदेव के आदेशानुसार तैयार की गई है। तो इस वेबसाइट पर जाकर अगर आप एक अच्छा बायोडेटा ढंग से बना लेते हैं और उसको अपने होने वाले जहां पर भी आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं उन लोगों को देते हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे तरीके से इंप्रेस करने में सफल सिद्ध हो सकते हैं और अपने लिए खूबसूरत सा एक अच्छा योग्य, अपनी उम्मीद से भी अच्छा जीवन साथी प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जय शनिदेव।